जय माता की। दोस्तों आज मैं मशरूम और मटर की सब्जी बना रही हूँ, तो चलो आपको दिखाती हूँ मैं। मटर और मशरूम मैंने कितना लिया है, तो ये 2 पैकेट मैंने मशरूम लिया है और आधा किलो मेरा मटर है। इसे मैं बताती हूँ आपको, प्याज टमाटर कितना चाहिए। 3 मैंने टमाटर लिए हैं, 2 मैंने प्याज लिए हैं, इतना लहसुन लिया है, ये देखिए 2 गांठ लहसुन है, और अदरक का टुकड़ा ले रखी हूँ। तो ये मशरूम जो है मैं ये गर्म पानी में धो लेती हूँ, फिर आगे की तैयारी करेंगे दोस्तों। तो चलो हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है, गैस ऑन किया, और ये देखिए मैं थोड़ा सा तेल डालूंगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे मशरूम को फ्राई करना है हल्का सा तेल में। देखिए हमने 1 बड़े चम्मच के करीब तेल लिया है। तो हमारा तेल गरम हो गया है, तो देखिए ये मशरूम है, ये मैंने कटिंग कर लिया है धो के अच्छे से। देखिए दोस्तों हमें कम से कम 2 से 3 मिनट तक इसे भूनना है अच्छे से, ताकि ये सोते हो जाए, थोड़ा सॉफ्ट हो जाए तो अच्छा है। तो हम थोड़ी थोड़ी देर में चलाएंगे इसको, तो इंतज़ार करते हैं थोड़ा सोते होने का। देखिए दोस्तों थोड़ी देर 1 मिनट के करीब हुआ है, तो फिर मैं इसमें हल्का सा, मैं चुटकी भर करीब हल्दी डाल रही हूँ इसमें, क्योंकि ये काला ना पड़ जाए। तो हम हल्दी डाल देंगे तो इसका कलर वैसे ही रहेगा जैसे है, थोड़ा अच्छा हो जाएगा पीलापन, तो इसलिए हम हल्दी डाल दिए हैं कि इसका कलर काला ना पड़े। तो आप देख सकते हैं कलर कितना सुंदर आया है इसमें। तो हमें इसी तरह से थोड़ी थोड़ी देर में चला लेना है, इसे भूनने देते हैं इसी पे। देखिए दोस्तों हमारा मशरूम भून गया है, तो हम इतना ही इसको सौते करेंगे फिर, क्योंकि हमारा मशरूम को पकाना भी है मटर के साथ। तो हम ये निकाल देते हैं 1 प्लेट में, ये हल्का पानी छोड़ देता है, उसको भी साथ में ही निकाल लेना है। देखिए दोस्तों मैं मसाला भूनने के लिए तेल डाल रही हूँ, कि हमें तेल कितना चाहिए, कि हमारा सब्जी ज़्यादा है, आधा किलो करीब मटर है मेरा और 400 ग्राम करीब मेरा मशरूम है, 2 पैकेट जैसे मैंने दिखाया आपको लिया था 200 200 ग्राम का, तो थोड़ा तो तेल ज़्यादा चाहिए। तो हमारा तेल गर्म हो रहा है, अब बताते हैं आपको आगे क्या करना है। देखिए दोस्तों मैं ये तेज पत्ता डाल रही हूँ पहले, तो इसे चला लेते हैं। अब इसमें हम जीरा डालेंगे, ये देखिए दोस्तों मैंने प्याज अदरक और लहसुन का पेस्ट बना लिया है, कढ़ाई में डालते हैं। ये हम प्याज को भून रहे हैं, तो अच्छे से ये तेल अलग ना हो जाए तब तक हमें प्याज को भूनना है इसमें कढ़ाई में। तो चलिए हम अब आगे की तैयारी करते हैं, जब तक हमारा ये प्याज भून रहा है, और फ्लेम को आप मीडियम रखिए। मसाले का कलर देखिए दोस्तों, मसाले का कलर कितना बढ़िया आया है, और हमारा तेल भी अलग हो रहा है, तो मतलब हमारा प्याज आधा लगभग पक गया है, तो हमें और थोड़ा भून लेना है इसको।
अच्छे से, नहीं तो कच्चापन लगेगा। देखिए दोस्तों हमारा तेल अलग हो गया है मसाले से, तो आप देख सकते हैं। तो अब इसमें हम अपना जो मसाला है वो मैं डालती हूँ, तो आपको बताती हूँ। 2 चम्मच करीब नमक है, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 बड़े चम्मच हमारा धनिया है, तो हम इनको सबको डालते हैं। देखिए दोस्तों हमें ज़्यादा देर इसको भूनना नहीं है, बस हमें इसमें टमाटर की प्यूरी डाल देना है, जो मैंने 3 बड़े टमाटर लिए थे तो मैंने उसे पीस लिया है। तो ये देखिए मैं पेस्ट बना ली हूँ, और आप चाहें तो इसको टमाटर को उबाल के भी पेस्ट बना सकते हैं, उससे भी अच्छा बनता है, क्योंकि उसमें कच्चापन नहीं आता, उसमें कम मसाला भूजोगे तो भी टमाटर का मतलब टेस्ट अच्छा आएगा। देखिए दोस्तों हमारा मसाला कितना अच्छे तरीके से भून गया है ये, लेकिन अभी कच्चापन है, थोड़ा और भूनेंगे इसको ताकि ये तेल अलग हो जाए इससे, तब पता चल जाता है वैसे में कि हमारा मसाला तैयार है। तो आप वीडियो को पूरा देखें दोस्तों, ताकि कोई भी स्टेप छूट ना जाए जो भी मैं बताऊं आपको। और नमक और मिर्ची मैं हमेशा कहती हूँ कि वो अपना स्वाद अनुसार डालें, और नमक भी थोड़ा तेज़ खाती हूँ तो उस हिसाब से रखी हूँ, आप कम या ज़्यादा खाते हो तो आप अपने हिसाब से रखिए दोस्तों। देखिए दोस्तों तेल देख सकते हैं छोड़ दिया है मसाले ने, मतलब हमारा मसाला अच्छे से तैयार है। तो हम मशरूम को डालते हैं, मिला लेंगे थोड़ा। ये देखिए हमारा मटर गया इसमें, तो ज़्यादा देर नहीं, 2 मिनट करीब हम दोनों को मिला के भून लेते हैं अच्छे से, उसके बाद हम पानी डालेंगे। तो 2 मिनट इंतज़ार करते हैं दोस्तों, इसे ढक देते हैं दोस्तों 2 मिनट के लिए, 2 मिनट बाद, और गैस आप मीडियम ही रखिए। देखिए दोस्तों 1 से 2 मिनट हो गया, तो हम खोल के देखते हैं थोड़ा। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है हमारे मटर मशरूम में। चलिए दोस्तों तो हम पानी डाल लेते हैं, हमारा सब्जी अच्छे से मसाला सब्जी दोनों भूज गया है। तो देखिए मैं पानी कितना डाल रही हूँ, इतना डाल रही हूँ ताकि मेरा मटर अच्छे से गल जाए और मशरूम भी थोड़ा सा सॉफ्ट और हो जाए, इसलिए हम पानी ज़्यादा डाल रहे हैं। तो अब इसको हम तेज आंच पे रखते हैं दोस्तों उबाल आते तक, फिर हम मीडियम में कर देंगे। देखिए दोस्तों हमारा सब्जी अच्छे से उबाल आ गया है, तो अब हम इसे मीडियम में रख देते हैं और कम से कम 7 से 8 मिनट तक पकाएंगे। देखिए दोस्तों हमारा सब्जी में कितना अच्छा उबाल आ गया है, तो अब हम 7 से 8 मिनट तक से इसे ढक के पकाएंगे और मीडियम में, तो उसके बाद हम खोल के देखेंगे कि हमारा सब्जी गला है कि नहीं। हमें मटर को ही बस गलाना है दोस्तों, मटर हम सॉफ्ट हो गया तो हमारा सब्जी तैयार है। अगर ग्रेवी आपको ज़्यादा लगे तो थोड़ा आप उसे सुखा सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं थोड़ी देर बाद। तो चलिए दोस्तों हम ढक देते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं खोल के अब हमारा सब्जी
वाह वाह वाह, कितना बढ़िया लग रहा है देखिए, देखने में खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है दोस्तों। तो ग्रेवी अभी थोड़ी ज़्यादा है तो मैं थोड़ी देर और पकने देती हूँ ताकि मेरी ग्रेवी सूख जाए। मुझे थोड़ी कम ग्रेवी चाहिए, अगर चावल के साथ खाना है तो इतना ग्रेवी ठीक है दोस्तों, ऐसे रखिए आप थोड़ा, और अगर रोटी के साथ खाना है तो थोड़ा और पकने दीजिए इसे। तो हमें रोटी के साथ खाना है इसीलिए थोड़ा ग्रेवी मुझे कम चाहिए। चलिए दोस्तों देखते हैं अब। बहुत बढ़िया, दोस्तों हमारा सब्जी हो तैयार है, हो गया है ये देखिए। तो हमारा ग्रेवी भी गाढ़ा हो गया बहुत बढ़िया से, बहुत कम तेल में बनाई हूँ दोस्तों, इसलिए मेरे इस सब्जी में तेल कम है, और हम लोग तेल ज़्यादा खाते नहीं हैं। कम तेल में भी सब्जी टेस्टी बनता है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि तेल में ही बनाए तो ज़्यादा अच्छा बनेगा, मीडियम तेल डाल के भी बनाइए आप सब्जी तो भी बहुत बढ़िया बनेगा। सिर्फ आप मसाले का ध्यान रखिए, जो मसाला भून रहे हो उसका ध्यान रखिए, हमारा मसाला कच्चा ना रहे, बस इन बातों का, छोटी मोटी बातों का ध्यान रखना है दोस्तों, फिर हमारा सब्जी बहुत बढ़िया बनेगा। तो चलिए दोस्तों हम अपना गैस बंद कर लेते हैं। अब देखिए हम गैस ऑफ कर दिए। देखिए दोस्तों अब मैं धनिया डाल रही हूँ, तो आप भी गैस बंद करने के बाद धनिया डालें, मिला दें अच्छे से। तो ये देखिए मैं मिला देती हूँ, ये देखिए दोस्तों हमारा सब्जी कितना अच्छा से कलर भी आया है और देखने में भी अच्छा लग रहा है, और खाने में तो है ही है लाजवाब। तो आप भी बनाइए और खाइए दोस्तों। अगर आज का रेसिपी दोस्तों मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, आपको जवाब ज़रूर दूंगी दोस्तों। और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए मेरी रेसिपी।